पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। तीन जगह पर हैवी रेनफॉल रियलाइज हुआ है। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो बोलागिरी में 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, भुवनेश्वर का 37.6 और कटक का 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। आज भी मलकानगिरी की जो डिस्ट्रिक्ट था वहां पर जितने हमारे स्टेशन थे वहां पर रेनफॉल हुआ है, वहां इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहने की वजह से आज उड़ीसा में मानसून का सेट इन यानी 8 जून को मानसून सेट इन हो गया है। इसके साथ जो मानसून है जो मलकानगिरी के कुछ हिस्सों में कवर कर दिया गया है, साथ मानसून है सेटिंग ओवर उड़ीसा टुडे 8 जून। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई सिग्नल वेदर सिस्टम नहीं है लेकिन आस पड़ोस के सिस्टम की वजह से मौसम बना रहेगा। जैसे आज डे वन की बात करें तो डे वन में सुंदरगढ़, मयूरभंज, केवंझर, अनुगुल, डेंकर और नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा, कलाहांडी, रायगढ़ इन सब डिस्ट्रिक्ट से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। नवरंगपुर, कोरबा, मलकानगिरी में कुछ कुछ स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे वन में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कोस्ट उड़ीसा में रहने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है हॉट एंड ह्यूमिड के लिए। 9 और 10 तारीख को भी जो है हॉट एंड ह्यूमिड और हीट वेव की वार्निंग दी गई है। बुलांगी, बालगढ़ में हीट वेव येलो वार्निंग दी गई है, कोस्ट उड़ीसा में अगले 3 दिन तक धीरे धीरे तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है, उसके बाद ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकता।